नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बंटी शेलके की जिम्मेदारी बढ़ाकर उन्हें युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर यह घोषणा की। देश भर से 10 महासचिव और 18 सचिवों के नामों की घोषणा की गई है, जिनमें बंटी शेलके को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेलके अब तक युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार की गलत नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, आरटीओ में वाहन चालकों की लूट, महिला अत्याचार आदि के खिलाफ लगातार आंदोलन किए। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार जुटे रहे। उनके कार्यों पर दखल लेते हुए आलाकमान ने उनकी पदोन्नति की है। शेलके ने नई जिम्मेदारी को ईमानदारी व परिश्रम निभाने की बात कही है। उन्होंने राहुल गांधी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं का अपनी नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। नागपुर महानगर पालिका लक्ष्मीनगर जोन में कार्यरत एनडीएस दस्ते के जवान आनंदराव आत्राम का निधन 21 मई 2022 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। एनडीएस दस्ते के प्रमुख वीरसेन तांबे व सहयोगियों ने आनंद आत्राम के घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दी और 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। इस अवसर पर जोन लीडर संजय खंडारे, प्रवीण लोखंडे, पवन डोंगरे, नरहरि भिरकड़, नत्थू खांडेकर, प्रशांत राउत, सुधीर सुड़के, अरविंद बघेले, अरुण पिल्ले, नरेंद्र तुरकर तथा सैनिक संगठन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अध्यक्ष दिलीप सिंह सूर्यवंशी उपस्थित थे। महाराष्ट्र वन विकास निगम के अंतर्गत बल्लारशाह डिपो की ओर से दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पार्लियामेंट भवन निर्माण के लिए लगभग 300 क्यूबिक मीटर सागवान का प्रबंध किया जा रहा है। महाराष्ट्र वन विकास निगम की गुणवत्ता युक्त सागवान का उत्पादन और बिक्री इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, यह गौरव की बात है। भारत के संसद भवन के लिए महाराष्ट्र वन विकास निगम के बेहतरीन दर्जे के सागवान का उपयोग किया जा रहा है। 7 जून 2022 को महामंडल को 22 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस दौरान व्यवस्थापकीय संचालक वासुदेवन ने बल्लारशाह सेल्स डिपो का दौरा किया, जिसमें पूरे देश के साथ साथ राज्य के व्यापारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जम्मू कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से व्यापारीगण मौजूद थे। वासुदेवन ने उनसे चर्चा की और उनके समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र वन विकास निगम के बल्लारशाह सेल्स डिपो ने वर्ष 2021-22 में 165 करोड़ रुपए की वनोपज बेचकर भारी राजस्व अर्जित किया है। ऑफलाइन नीलामी से करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र वन विकास निगम में वासुदेवन की प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद से काफी प्रगति हुई है। मानसून आने का समय है, लेकिन उससे पहले नागपुर शहर सहित पूरा विदर्भ जमकर तप रहा है। शहर का तो हाल ही बेहाल है। बीते करीब सप्ताह भर से पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चल रहा है। दिन के आसमान से आग बरस रही है और देर रात तक गर्म हवाओं के थपेड़े परेशान कर रहे हैं। जून के पहले ही सप्ताह में शहर में इस कहर के 7 लोग शिकार हुए हैं। बीते 3 दिनों में 4 व्यक्ति उष्माघात से अपनी जान गंवा बैठे हैं। एक और राज्य के दक्षिण व पश्चिम इलाकों में मानसूनी बारिश राहत बरसा रही है, तो दूसरी ओर नागपुर शहर सहित विदर्भ में अभी भी गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। शहर में कुछ स्थानों पर अज्ञात लोगों के शव मिले हैं, जिनकी मौत का कारण उष्माघात ही बताया जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही असली कारण का खुलासा होगा। सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत छावनी बस स्टैंड के समीप बुधवार 8 जून को 45 वर्षीय महिला बेहोश अवस्था में मिली। डॉक्टरों ने उनकी जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसी दिन अजनी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीबी वार्ड परिसर में 37 वर्षीय युवक मृत अवस्था में मिला। पिछले 3 दिनों में अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। नागपुर महानगर पालिका का पूरा स्वास्थ्य विभाग कोरोना टेस्ट की गति बढ़ाने में जुट गया है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर टीमें तैयार की गई है। इस बीच जिले में एक्टिव केस बढ़ने लगे हैं। फिलहाल 64 संक्रमित लोग हैं। स्वास्थ्य सामान्य होने के कारण फिलहाल किसी को भी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को जिले में 16 नए पॉजिटिव मिले। मनपा आयुक्त ने कोरोना बाधितों के संपर्क में आने वाले लोगों को स्वयं कोरोना टेस्ट सेंटर जाकर जांच कराने की अपील की है। टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर जिले में कुल 1,208 लोगों की जांच की गई। इनमें 16 में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 9 सिटी, 6 ग्रामीण और एक अन्य जिले के व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि मास्क की सख्ती नहीं की गई है, लेकिन भीड़ वाली जगह पर जाने पर मास्क लगाने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में तो है, लेकिन बारिश का सीजन शुरू होने के साथ ही संक्रमण भी बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। रेलवे मेल सेवा RMS और स्पीड पोस्ट डाक विभाग की नागपुर शाखा को महाराष्ट्र में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह लगातार दूसरा साल है जब शहर से संचालित यह दोनों सेवाएं राज्य में नंबर 1 स्थान पर रही।
इसके अलावा पूरे विदर्भ क्षेत्र को बेहतर डाक सेवा के लिए रोलिंग ट्रॉफी भी प्राप्त हुई है। देश में स्पीड पोस्ट के 91 कार्यालय है, इनमें से 5 महाराष्ट्र में है। नागपुर नेशनल सॉर्टिंग हब ने मुंबई, पुणे और अन्य 2 बड़े स्पीड पोस्ट ऑफिस को पछाड़ते हुए प्रसंस्करण, वितरण और संग्रह क्षेत्रों में सराहनीय प्रदर्शन किया है। रेलवे स्टेशन पर RMS ने भी समय की पाबंदी के बावजूद दूसरे शहर के कार्यालयों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 2020-21 में COVID-19 महामारी के दौरान जब लोगों को कई महत्वपूर्ण चीजें भेजने की बहुत आवश्यकता थी, उस समय भी नागपुर RMS ने बेहतर प्रदर्शन किया और शीर्ष स्थान हासिल किया। पुणे में आयोजित 2 दिवसीय समारोह में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने नागपुर कार्यालय के प्रतिनिधि को रोलिंग ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया। CRC और NSH लगातार दूसरे वर्ष अपनी सेवाओं के मामले में अव्वल रहे। इस उपलब्धि ने क्षेत्र के सभी अधिकारी बेहद खुश है। इस आशय के विचार विदर्भ के डाक सेवा निदेशक महेंद्र गजबीय ने व्यक्त किए। रेलवे स्टेशन के सामने के फ्लाईओवर को तोड़कर 6-लेन सड़क बनाने की दिशा में भले ही मनपा ने कदम आगे बढ़ा लिए हो, लेकिन न्यायिक विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मनपा ने दुकानदारों को 2 विकल्प दिए, इनमें दुकान के बदले दुकान और दुकान के बदले 8% ब्याज की दर से अग्रिम राशि वापस लेने का विकल्प रखा गया था। दोनों विकल्प पर कुछ दुकानदार को तैयार हो गए, लेकिन अभी भी लगभग 25 दुकानदार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बताया जाता है कि इन दुकानदारों ने रिडिरेकनर दर से 2.5 गुना मुआवजा देने की मांग मनपा के समक्ष रखी है, लेकिन मनपा की सभा द्वारा पहले ही 8% ब्याज दर से अग्रिम राशि देने का निर्णय लिया गया, इसलिए मनपा प्रशासन ने इन दुकानदारों की मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। मनपा की ओर से मांगों को स्वीकार नहीं किए जाने के बाद इन 25 दुकानदारों ने जिला सत्र न्यायालय में दीवानी मामला दर्ज कराया है। इस पर लगातार सुनवाई जारी है। हाल ही में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने 18 जून तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। पर्यावरण दिवस समारोह के तौर पर भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ नागपुर शाखा ने 25 वर्ष प्लस आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए निबंध प्रतियोगिता, 11 से 15 वर्ष आयु वर्ग के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के लिए कविता प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की है। प्रतिभागियों को स्मार्ट सिटी के सपने, चुनौतियां विषय पर प्रविष्टियां 15 जून 2022 को या उससे पहले भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की ईमेल ID पर भेजना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी प्रवेश निशुल्क नहीं रखा गया है। प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को सम्मानित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रतिभागी डॉक्टर रीता इसरानी से संपर्क कर सकते हैं। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले तक यह केंद्र कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और गुरुवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 389 शिकायत प्राप्त हुई है और अब तक पूरे 10 जोन में 283 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है और मानसून के दौरान यह केंद्र 24 घंटे चालू रहेंगे। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 40 शिकायतों में से 27, धर्मपेट जोन में 44 में से 28, हनुमाननगर जोन में 155 में से 134, धंतोली जोन में 36 में से 20 तथा नेहरू नगर जोन में 26 में से 20 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। मनपा अधिकारियों ने इस सफलता पर संतोष जताया है। नागपुर महानगर पालिका के बेड़े में 15 और ई बसें जोड़ी गई है। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 15 AC बसें खरीदी जाएगी। नागपुर महानगर पालिका के परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में टाटा मोटर्स के साथ हुए समझौते पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए गए। इसी समय मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी, स्मार्ट सिटी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी चिन्मय गोतमारे, मोबिलिटी एंड इंफ्रा के महाप्रबंधक राजेश दुफारे, परिवहन प्रबंधक रविंद्र भेलावे, प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र पागे एवं टाटा मोटर्स के आदित्य छाजेड़ मौजूद थे। स्मार्ट सिटी ने 15 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे।
मेसर्स टाटा मोटर्स की सबसे कम निविदा होने के कारण बसों की आपूर्ति के लिए इसी कंपनी को चुना गया है। इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के संबंध में टाटा मोटर्स के आदित्य छाजेड़ के साथ एक समझौते पर दोनों ओर से प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर नागपुर में आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय के छात्रों ने एक बार फिर अपने जूनियर कॉलेज के नाम को रोशन किया है। जूनियर कॉलेज ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए शिक्षा सत्र 2021-22 की 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में सफलता के उच्च आयाम स्थापित करने का सिलसिला जारी रखा है। दयानंद कनिष्ठ महाविद्यालय का सभी संकायों को मिलाकर औसत परीक्षा फल 99.81% रहा, जिसमें कला तथा विज्ञान संकाय का 100% तथा वाणिज्य संकाय का 99.32% परिणाम रहा। कला संकाय में 3 छात्राओं पारुल राम आश्र यादव ने 86.50%, प्रिंसी सेवक मेश्राम ने 85.83% और जनाब कादरी मोहम्मद अरकम ने 85.80% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय की छात्रा शालिनी राधेश्याम यादव ने 85.67% अंक अर्जित कर प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। संस्था के अध्यक्ष अशोक कुमार कृपलानी, सचिव राजेश लालवानी, संस्था इंचार्ज वेद प्रकाश आर्य तथा समस्त पदाधिकारियों तथा प्राचार्य तेजिंदर एस वेणुगोपाल ने समस्त अध्यापिकाओं एवं छात्रों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। साथ ही छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की नागपुर शाखा द्वारा 3, 4 एवं 5 जून 2022 को पर्यावरण एवं बाल विकास पर त्रिदिवसीय वेबिनार सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। वेबिनार में लाइफ स्किल लर्निंग, पेंटिंग तथा चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेनर आरती खंडेलवाल ने पर्यावरण और पेरेंटिंग पर मार्गदर्शन किया। संस्था के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति द्वारा सभी का उत्साहवर्धन किया। 3 दिनों के इस वेबिनार में लगभग 250 बच्चों और अभिभावकों ने सहभागी होकर लाभ प्राप्त किया। इस वर्कशॉप की प्रोजेक्ट डायरेक्टर शोभा लोया, मंजू हुरकर, शीतल अग्रवाल, अर्चना डांगरा, नागपुर शाखा पर्यावरण प्रमुख अलका गर्ग एवं बाल विकास प्रमुख पूजा अग्रवाल ने इस सफल आयोजन के लिए सभी का हार्दिक अभिनंदन किया है। वेबिनार के आयोजन में अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल एवं सचिव माया शर्मा का विशेष सहयोग रहा। उक्त जानकारी संस्था की प्रचार मंत्री कविता खेमका ने दी है। महावितरण हमेशा अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट और निर्बाध सेवा प्रदान करने का प्रयास करती है और इसके लिए विभिन्न उपाय भी किए जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति 2020, सौर कृषि पंप योजना, विलासराव देशमुख अभय योजना, मीटर रीडिंग प्रबंधन आदि शामिल हैं। इसके एक हिस्से के रूप में महावितरण अब बिजली की हानि को कम करने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रही है और बिजली चोरों के खिलाफ कमर कसकर सख्त कार्रवाई कर रही है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ विभागीय स्तर के उड़न दस्तों के माध्यम से इस अभियान को और अधिक सख्ती से चलाया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान विदर्भ में 5,503 स्थानों पर 63,23,00,000 रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। वर्ष 2021-22 में 5,57,00,000 यूनिट बिजली की चोरी का पर्दाफाश कर महावितरण के सुरक्षा और प्रवर्तन विभाग के माध्यम से ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य में उच्च व निम्न दबाव श्रेणी में 22,987 स्थानों पर 317,45,00,000 रुपए की बिजली चोरी का पता चला है, जिसमें से 172,45,00,000 रुपए की वसूली हो चुकी है। महामेट्रो ने नागपुर की संस्कृति और विविधता अपने परियोजना के जरिए दर्शाने का प्रयास किया है। चाहे चितार ओली स्टेशन के निकट पिलर पर मारबत का म्यूरल हो या कॉटन मार्केट चौक स्थित पिलर पर पोला का दृश्य, महामेट्रो ने अलग अलग दृश्यों के जरिए शहर की संस्कृति और इतिहास को कायम रखा है। इसी श्रृंखला में महामेट्रो ने नागपुर में एक और कलाकृति को साकार किया है। संतरा नगरी के साथ साथ टाइगर कैपिटल भी नागपुर की पहचान है और इसकी वजह है नागपुर के समीप बड़े पैमाने में स्थित जंगल क्षेत्र। नागपुर के आसपास व्याघ्र परियोजना भी है और यहां देश विदेश से जंगल प्रेमी भेंट देते हैं। महामेट्रो ने इसलिए कामठी मार्ग स्थित ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन मेट्रो पिलर पर आकर्षक मोगली थीम को साकार किया है। पेंच टाइगर रिजर्व की ओर जाते इसका एहसास नागरिकों को हो सकता है। मोगली के अलावा इस पिलर पर बाघ, सियार, भालू ऐसे अलग अलग प्राणियों के आकर्षक और मनमोहक दृश्य को भी साकार किया गया है। मोगली थीम पिलर की संकल्पना महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित की है। शहर एवं निकटवर्ती स्थानों की खूबियों को दर्शाने की उनकी संकल्पना की सराहना शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति कर रहे हैं। श्री टेकड़ी रोड हनुमान मंदिर समिति गबलीपुरा की ओर से श्री अमरनाथ लंगर सेवा के लिए सेवा सामग्री से भरा ट्रक धूमधाम से श्री टेकड़ी रोड हनुमान मंदिर सीताबर्डी से रवाना किया गया। समिति की ओर से प्रतिवर्ष अमरनाथ में किए जाने वाले लंगर के लिए आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर, मसाले, बिस्कुट, माचिस एवं अन्य खाद्य सामग्री सहित जीवन आवश्यक वस्तुएं, दवाइयां, कंबल भेजे जाते हैं। इस वर्ष भी सभी सामग्री ट्रक में लादकर गाजे बाजे के साथ रवाना की गई है। इस अवसर पर मंदिर समिति के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस पहल की सफलता के लिए श्री टेकड़ी रोड हनुमान मंदिर समिति के सभी हनुमान भक्तों ने अथक प्रयास किया।
जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराष्ट्र के अंतर्गत एवं महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था की पहल से जयपाल सिंह मुंडा रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यालय को लोनारा परिसर में स्थापित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तुषार मेश्राम ने बिरसा द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। ये नारा उन्होंने दिया था, इसका अर्थ है रानी का राज्य खत्म करो, देशवासियों के राज्य का निर्माण करो। उनके अनुयायियों ने एक आदिवासी गुरिल्ला सेना का गठन किया और ब्रिटिश सरकार के महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला किया। महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों ने क्षेत्र के आंतरिक हिस्सों में आदिवासियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के समय दिए गए बलिदान के बारे में प्रकाश डाला। कुछ छात्रों ने बताया है कि कैसे बिरसा मुंडा एवं उनकी आदिवासी सेना ने महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। कार्यक्रम का संचालन स्वप्निल निस्ताने ने किया और चांदनी राउत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में इरशाद पठान, आशीष कुबड़े, वर्षा पगले, राहुल चौधरी, क्षमा अंसारी, प्रज्वल भोंगड़े, आरती कनपटे, आयशा खान सहित अन्य स्टाफ मुख्य रूप से उपस्थित थे। पश्चिम नागपुर विधायक एवं नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव जॉन थॉमस ने नागपुर गृह निर्माण व क्षेत्र विकास मंडल की जनता से संबंधित ज्वलंत समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा और इन सभी ज्वलंत समस्याओं से आम नागरिकों को छुटकारा दिलाने की विनती की। विकास ठाकरे ने कहा कि वे इन समस्याओं को सुलझाने के लिए निश्चित ही प्रयास करेंगे तथा उचित समय आने पर विधानसभा में भी ये तमाम मुद्दों का जिक्र करेंगे। म्हाड़ा से संबंधित आम जनता की कई समस्याएं हैं। पिछले 1.5 साल से म्हाड़ा में रेगुलर मुख्य अधिकारी नहीं था। आम जनता की फाइलें मुंबई जाया करती थी, फिर वहां से स्वीकृत प्राप्त होकर वापस आती थी। हाल ही में म्हाड़ा नागपुर को महेश कुमार के रूप में एक पूर्णकालिक मुख्य अधिकारी मिल गया है, लेकिन फिर भी म्हाड़ा में आम नागरिकों के छोटे छोटे कार्य करवाने के लिए भी काफी समय लगता है और कोई नागरिक पूछने गया तो अधिकारी अनाप शनाप जवाब देते हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अमल में लाई जा रही कार्य प्रणाली काफी पेचीदा होती है, जिससे नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मध्य रेल नागपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे के मार्गदर्शन में तथा वरिष्ठ मंडल संरक्षक अधिकारी योगेश बारापात्रे के निर्देशन में 3 से 9 जून 2022 तक मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह के अंतिम दिन को अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन गुंजन सभागृह नागपुर में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती का पूजन और दीप प्रज्वलन से की गई। अपर मंडल रेल प्रबंधक जय सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक पीएस खैरकर, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी वाईटी बारापात्रे, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर टीआरडी विजय गौतम, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर जनरल महेश कुमार और अन्य अधिकारी की उपस्थिति में संपार फाटक पर सुरक्षा विषय पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। परिसंवाद में सुरक्षा सलाहकार इंजीनियरिंग संजय गोपाले, लोको निरीक्षक के दिवाकर, मुख्य प्रशिक्षक एसएस जोशी और सहायक मंडल परिचालन प्रबंधक पीबी राव ने अपने अपने विचार रखे। परिसंवाद के बाद जन जागरूकता और सीख लेने के उद्देश्य से नागरिक सुरक्षा संगठन नागपुर द्वारा एक बहुत ही प्रेरणादायी लघु नाटिका एक सबक का मंचन किया गया। इस नाटिका को सभी ने सराहा और अपर मंडल रेल प्रबंधक जय सिंह द्वारा कलाकारों के लिए पुरस्कार भी दिए गए। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।